वायु चक्रवात की वजह से इस साल मॉनसून की रफ्तार बेहद सुस्त हो गई है और मॉनसून कम से कम 15 दिन पीछे है। इसकी वजह से देश के तमाम हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हुई है। वायु तूफान के चलते इस साल मॉनसून की रफ्तार बेहद धीमी है। आमतौर पर इस समय तक मॉनसून देश के 2/3 हिस्से तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ देश के 10-15% हिस्से को ही छू सका है। इसकी वजह से इस सीजन में होने वाली बारिश में 44% की कमी दर्ज की गई है। फिलहाल मॉनसून केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय है। इसे दोबारा मजबूत होने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त और लगेगा। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून अगले 3 दिनों में कोंकण तट तक पहुंच जाएगा और 25 जून तक महाराष्ट्र का ज्यादातर हिस्सा कवर कर लेगा। जून खत्म होने तक मॉनसून मध्य भारत के ज्यादातर हिस्से को अपने दायरे में ले लेगा। मॉनसून में देरी का सबसे बुरा असर मध्य भारत पर पड़ा है। देश के इस हिस्से में जून में होने वाली बारिश में 57% की कमी दर्ज की गई। वहीं दक्षिण में यह आंकड़ा 38%, पूर्वोत्तर भारत में 43% और उत्तर पश्चिमी भारत में 27% रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।